सवेरे के सत्र में भगवद गीता के ऊपर है कि भगवद गीता वास्तव में अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जिस तरह का युद्ध भगवद गीता के अंदर दिखाया गया है, वास्तव में हर मनुष्य जीवन जो है एक संघर्ष वाला जीवन है और हर कोई एक संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करते करते कभी कभी निराश, उदास, हताश हो जाता है अर्जुन की तरह। तब शायद वो भगवान से ही संवाद करना शुरू करता है कि हे प्रभु, अब मुझे आगे युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। तो ऐसे समय पर जो भगवान ने मोटिवेट करने के लिए बातें बताई है, वो वास्तव में आज के युग के लिए हर इंसान को बहुत उपयोगी है। तो उसकी सारी टिप्स जो है, ताकि कर्मयोगी जीवन में कैसे कर्मयोग करते हुए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन शिक्षाओं को, आदर्शों को अपनाए, तो वो अपने जीवन में कभी भी हार महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी हार विजय में परिवर्तित हो जाती है। ये भगवद गीता हमें शिक्षा देती है, तो उसके बारे में बताएंगे। और शाम के जो सत्र है वो राजयोग के ऊपर है। वास्तव में देखा जाए तो राजयोग भी गीता का ही एक अंश है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो सिखाया गया राजयोग है, जिसमें प्रथम दिन जो है आत्म अनुभूति का सत्र है, आत्मा की वास्तविकता और उस आत्मा के कॉन्शियसनेस को कैसे लेकर के हम जीवन के अंदर चले तो जीवन हमारा तनाव मुक्त सदा के लिए हो सकता है। दूसरे दिन परमात्मा अनुभूति शिविर है, अर्थात के परमात्मा की वास्तविकता को समझते हुए परमात्मा के साथ जब हम अपने मन को, मन के तार को जोड़ते हैं, तो कैसे परमात्मा शक्ति प्राप्त होने से जीवन के अंदर भय मुक्त जीवन हम अनुभव कर सकते हैं। और तीसरे दिन राजयोग का सत्र है कि राजयोग का अनुभव करते हुए कैसे हम अपने जीवन को क्रोध मुक्त बना सकते हैं। तो इस तरह से जीवन के अंदर जो कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बहुत आवश्यक है वर्तमान समय में। इसी बात को लेकर के ये तीन दिन का राजयोग सत्र रहेगा। यहाँ पे गीता को किसी और जगह पे हमने पढ़ते हैं, पंडित वगैरह वैसा कुछ नहीं है? नहीं, गीता को बहुत पढ़ा लोगों ने और पढ़ते ही रहते हैं, और इसीलिए हर कोई जानता है गीता क्या है। लेकिन उसी गीता को हमने स्लाइड्स के फॉर्म में कंप्यूटराइज किया हुआ है, ताकि वो बातें हम लोगों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, युद्ध के विषय में के मनुष्य जीवन में जो युद्ध चल रहा है, आज कई लोग हालातों से लड़ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में लड़ रहे हैं, तो कैसे उस लड़ाई के अंदर जब व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो गीता में भगवान ने क्या बताया अर्जुन को, जो वो उस उदासी से बाहर निकल करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। प्रेम भी और इसीलिए गीता को अगर डिवाइड किया जाए तीन भाग में, ज्ञान योग, हमने यही बात बताई कि जो पात्र शकुनी का दिखाया हुआ है महाभारत के अंदर, तो शकुनी का टारगेट कौन था? शकुनी का टारगेट यूथ था, दुर्योधन, दुशासन यही टारगेट पर थे। शकुनी ने कभी धृतराष्ट्र को टारगेट नहीं किया या गांधारी को टारगेट नहीं किया, तो यूथ को टारगेट किया। तो आज कौन है वो शकुनी जिसके टारगेट पर यूथ है? तो आज हर शकुनी के टारगेट पर जो यूथ है, तो वो शकुनी कौन जो हर घर में है, हर व्यक्ति के जीवन में आ गया है, वो है मोबाइल।
मोबाइल जो है यही शकुनी है। माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे को एंड्रॉयड मोबाइल देना चाहिए ताकि उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो गूगल सर्च करके उसको एक्सेस मिल सके, लेकिन शुरू में तो उसी के लिए वो यूज़ करता है, बाद में फिर कौन सी साइट्स पर चला जाता है पता ही नहीं चलता है, किस तरह के साइबर क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है और किस तरह से वो अपने जीवन का सत्यानाश कर देता है, भटक जाता है। तो यही शकुनी है आज हर घर के अंदर, हर जीवन के अंदर। अनिवार्य भी तो हो चुका है यार, तो नहीं वो बराबर है, लेकिन परख भी तो होनी चाहिए इंसान को। आज बिना मैच्योरिटी के हम उसको वो चीज़ दे रहे हैं। आज कई बार बहनें आकर के बताती हैं हमारा 2 साल का बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता, वो बोलना नहीं जानता है लेकिन उसको ये मालूम है YouTube कैसे खोलना है, कार्टून शो कैसे देखना है। आज वो कार्टून शो देख रहा है लेकिन 10 साल का होते होते वो कौन सी साइट्स देखेगा, यूट्यूब पर कहाँ चला जाएगा, ये माँ बाप भी नहीं जानते हैं। तो उसके लिए क्या 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 रखता है? जागृति, इसीलिए आध्यात्मिक जागृति बचपन से ही आवश्यक अनिवार्य हो गई है कि जब ये जागृति अगर माँ बाप में होंगी तो वो अपने बच्चों को भी सही दिशा दे सकेंगे। जी बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल एजुकेशन बचपन से ही बच्चों को दी जाए। मैं भी ऐसे परिवार से जुड़ी थी और मेरी मम्मी ने ही मुझे ब्रह्मा कुमारी से परिचय करवाया और फिर मुझे उषा दीदी से बहुत प्रेरणा मिली। पहले मैं इस्कॉन टेंपल में भगवत गीता सुनने जाया करती थी, पर जब इनकी सुनी तो मुझे अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करके सॉल्व करना है उसका इंस्पिरेशन मिला मुझे इनसे बहुत, और ये मेरा एक परिवार बन गया। इट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, तो ये एजुकेशन आज सबके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। मैं बहुत आभारी हूँ दीदी का, थैंक्स करती हूँ और सभी ब्रह्मा कुमारी का कि मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली। तो ये सारी बातें जो भगवद गीता में हमने सुनी और जितने भी आध्यात्मिक बातें सुनी हैं उसके पीछे रहस्य क्या है और वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ी रहती है ये हमें जानने को मिलता है। कहानियाँ तो हमने बहुत देखी होंगी पर यहाँ हमें प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है हम ये जीवन को कैसे खूबसूरती से जिए और घबराए नहीं। हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिलता है, जैसे कि दीदी ने कहा मोबाइल है, इंटरनेट, टेलीविज़न, सब जगह पे आज ये अवेलेबल है। इनका एक चैनल है पीस ऑफ माइंड जो मैं रेगुलर देखती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि ऐसे ही आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें और पीस ऑफ माइंड भी देखें, दीदी की भगवद गीता ज़रूर देखें। मोबाइल की बात कर रहे हैं, जी बच्चे मानते ही नहीं है, जी बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर मेडिटेशंस हैं पीस ऑफ माइंड, तो वही ये अवेयरनेस है। इस माध्यम से हम वो सारी वेबसाइट्स दीदी की, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, मेडिटेशंस और लेक्चर्स जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आज आप लोग भी इस बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन से कनेक्ट करता है दीदी की बातों को, ये चाहे बच्चे हो किसी भी उम्र के हो। हम क्लासेस में जाते हैं तो सब एज ग्रुप के लोग बैठे होते हैं, एक साथ सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी ज़रूर आइए, सबसे यही कहना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ज़रूर जाएं। थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति।
Thank you.